वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत करता हूं मैं रवि शर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। 11 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सलाइनेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया है एवरीवन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये 8 मार्च को मनाया गया। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। टेक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये भी हैदराबाद तेलंगाना में ही आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान केंद्र जो अभियान जो है ये किसने शुरू किया है? ये केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नैरोबी केन्या में। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? नारायण राणे के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन ग्लोबल फोरम IGF के वार्षिक विषय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ढाका के अंदर, जो कि बांग्लादेश में है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये टी राजा कुमार को चुना गया है। टी राजा कुमार मार्क्स प्लियर का स्थान लेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF G7 देशों के साथ स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त को रोकने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए किया गया है। स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश हैं 39 और अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अर्थरिटेरियन रूल नाम से एक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? ये 66 अंक मिले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को यहाँ पर स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बांग्लादेश के पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले यहाँ पर उठाए हैं एवरीवन, और जिसके जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया? देखो, ये मनाया गया है 9 मार्च को, यहां पर मनाया गया एवरीवन। तो ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1984 में मनाया गया था। इस बार की जो थीम है, धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा है? यह है रूस। ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर कंस्टेलम AI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद रूस को 2,778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध
प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5,530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तरी कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। रूस 5,530, ईरान 3,616, सीरिया 2,608 जो है वो आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट जारी है कंसनटेलम एआई, मुख्यालय अमेरिका में है। रूस, मॉस्को राजधानी है, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ये ईरान के द्वारा किया गया है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। नूर का मतलब होता है फारसी में रोशनी। पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान ने स्थापित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे तैयार किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 बेसिकली फ्लॉप्स पी फ्लॉप्स है और पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगी। उद्देश्य यहाँ पर सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने का यहाँ पर उद्देश्य है रुड़की और उसके आसपास स्थित शैक्षणिक संस्थानों को यूजर कम्युनिटी, यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर कंप्यूट नेशन पावर प्रदान करना है। G7 कृषि मंत्रालय की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जर्मनी करने वाला है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन जिसमें सिक्स के रूप में भी जाना जाता है। 1976 में कनाडा शामिल हुआ था। इसके बाद ये 1976 के बाद ये G7 कहलाया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर कौन बने हैं? ये रविंद्र जडेजा हैं। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया जिससे कि वह 406 अंक के साथ ऑलराउंडर रैंकिंग में पायदान पर पहुंच गए हैं। रविंद्र जडेजा पहले नंबर पे, जेसन होल्डर दूसरे नंबर पे, रविचंद्र अश्विन तीसरे नंबर पे हैं। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व तो योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? ये है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़, इसके जो राजधानी है नया रायपुर है, अटल नगर और मुख्यमंत्री हैं भूपेन बघेल। आज का आपका क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप इसके लेखक कौन है आपको बताना है। 150 लाइक का टारगेट हम रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक